स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। आप देख रहे हैं ब्रोटोमोटिव और मैं हूं आपका होस्ट परीक्षित। आज हम आपके लिए डिटेलिंग वीडियो लेके आए हैं जो कि इस होंडा सिटी का होने वाला है। ये होंडा का कलर बहुत ही सुंदर कलर है, टाइम के साथ काफी ज्यादा डल हो चुका है, शाइन उतनी ज्यादा नहीं है, गाड़ी मिट्टी की वजह से बहुत ज्यादा गंदी भी हो चुकी है। इस गाड़ी पर हम करने वाले हैं सिरेमिक कोटिंग, साथ ही साथ इस गाड़ी के हेडलैम्प्स में हम प्रोजेक्टर लैंप्स इंस्टॉल करने वाले हैं, उसमें HID किट भी इंस्टॉल होने वाला है और DRL भी इंस्टॉल होने वाला है। गाड़ी पर ओवर स्प्रे का इश्यू था जिसकी आवाज हम अब आपको सुनाएंगे। पेंट बहुत ज्यादा रफ हो चुका था बिफोर, तो आपने देख ही लिया, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पुणे में डिटेलिंग शॉप और ऑटो बॉडी पेंट शॉप है। अगर आप हमारे सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आप हमारा पुणे स्टूडियो जो कि खराड़ी और वड़गांव शेरी में है उन्हें विजिट कर सकते हैं। हमें कांटेक्ट करने के लिए फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से भी आप हमें अपनी डिटेल्स फिल करके कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको कॉल बैक करेंगे। ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि गाड़ी का एंड फिनिश बहुत ही अमेजिंग आया। इस कलर का शाइन हमारी उम्मीदों से भी ज्यादा अच्छा निकला। क्योंकि गाड़ी पर बहुत ज्यादा मिट्टी जम गई थी, तो डिटेलिंग करने से पहले हमारे लिए सबसे जरूरी है कि एक बार अच्छे से हम गाड़ी को वॉश कर लें। एक बार जब वॉशिंग कंप्लीट हो जाएगी तो हम गाड़ी को ड्राई करके डिटेलिंग का प्रोसेस शुरू कर देंगे। गाड़ी पर बहुत ज्यादा स्वेल मार्क्स थे और कलर बहुत ज्यादा डल हो चुका था, जिसके लिए हमने गाड़ी को अच्छे से कंपाउंड कर लिया। कंपाउंडिंग में सारे स्वेल मार्क्स निकल गए। उसके बाद अब हम गाड़ी पर प्रोजेक्टर लैंप्स इंस्टॉल करेंगे और आपको दिखाते हैं कि कितना फर्क पड़ा हेडलैम्प्स चेंज करने से। सो होंडा सिटी के जो ओरिजिनल बल्ब्स हैं वो हैलोजन हैं और हम इस गाड़ी पर प्रोजेक्टर्स इंस्टॉल करने वाले हैं। यहाँ पर जो आप बिफोर देख रहे हैं वो गाड़ी का डिपर ऑन है, सामने हर्षल खड़ा है और गाड़ी के अंदर विकास शूटिंग कर रहा है और सामने हर्षल दिख नहीं पा रहा है। अभी मैं गाड़ी के हेडलाइट्स ऑन करूंगा और थोड़ा बहुत हर्षल आपको दिखेगा, बट उतना क्लियर विजिबिलिटी नहीं है, डिस्टेंस एंड थ्रो ज़्यादा नहीं है और रेंज भी काफ़ी कम है। और अब हम आपको दिखाएंगे कि गाड़ी प्रोजेक्टर लैंप्स विद HID किट लग जाने के बाद कितना बेटर विजिबिलिटी देती है। सो अब हमने गाड़ी में इंस्टॉल किया है प्रोजेक्टर लाइट विद HID किट एंड एंजल आइज। ये गाड़ी का डिपर मोड है और अब हम करेंगे गाड़ी का हेडलाइट मोड ऑन। सो आप देख सकते हैं क्लैरिटी पहले से कितनी ज्यादा बढ़ गई है एंड ओवरऑल थ्रो भी बहुत अच्छा है, आजू बाजू का एरिया भी वेल लिट हो रहा है।
आपने देखा कि हमने गाड़ी में प्रोजेक्टर लैंप्स इंस्टॉल कर लिए, प्लस हमने गाड़ी को पॉलिश भी कर दिया है। पॉलिशिंग कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम गाड़ी को आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से क्लीन करके उसके बाद सिरेमिक कोटिंग का प्रोसेस शुरू करेंगे। ऐसी गाड़ियों को रेडी करने में बहुत ज़्यादा मेहनत जाती है और हम बहुत मन से काम करते हैं। आई एम श्योर आपको भी एंड फिनिश उतना ही अच्छा लगेगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको फिनिश कैसा लगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारा ज्वाइन बटन भी एक्टिवेटेड है, तो अगर आप हमारे मेंबर बनना चाहते हैं तो आप ज़रूर बन सकते हैं। चलिए अब आपको गाड़ी का फाइनल लुक दिखाते हैं। मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ हमारे पेट्रन्स एंड सब्सक्राइबर्स का हमें इतना सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू फॉर बीइंग देयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रोटोमोटिव।